रांची के सांसद संजय सेठ के ऑफिस में प्रगति 2020-21 पत्रिका का विमोचन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के साथ साथ पूर्व मंत्री और विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। सांसद ने सभी अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित किया। प्रगति के विमोचन के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ये भाजपा में ही संभव है कि सांसद और विधायक अपने कामों का लेखा जोखा जनता को देते हैं। ये पारदर्शिता का बहुत बड़ा उदाहरण है। वर्तमान समय में राज्य कठिन और विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन को मूल मंत्र मानकर जो कार्य किया है वह अद्भुत है। मरांडी ने कहा कि सांसद के द्वारा प्रगति का प्रकाशन पारदर्शी शासन व्यवस्था का उदाहरण है। इस पत्रिका के माध्यम से क्षेत्र की जनता और देश भर के लोग सांसद के द्वारा किए गए कार्यों को जान और समझ सकेंगे। इसके साथ ही सीपी सिंह ने कहा कि ये पत्रिका भविष्य में विकास के नए आयाम स्थापित करेगी। ये इस दिशा में सहायक साबित होने वाली है। इसके साथ ही नवीन जायसवाल ने कहा कि सांसद महोदय के द्वारा प्रकाशित ये पत्रिका लोकसभा क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। इससे हमें विकास कार्यों के अवलोकन का अवसर प्राप्त होगा। फिलहाल देखना होगा कि क्या आने वाले दिनों में इस तरह से राज्य के बाकी सांसद और विधायक भी अपने काम का लेखा जोखा जनता को देते हुए नजर आएंगे। ITP News Room की रिपोर्ट।